हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा। और अभी मैं हूँ भवन के पास लॉकर रूम में। सो माता के दर्शन करने आप जाते हैं तो आपको कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास पर्स, मोबाइल फ़ोन, बेल्ट, स्मार्ट वॉच, कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आप माता के दर्शन करने की आपको एंट्री होती है, जो वो उसकी परमिशन मिल पाती है। सो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे सारा सामान रख देंगे। मैं आपको बता दूँ, इस लॉकर का कोई चार्ज नहीं होता है और ये श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो अभी चलते हैं आगे। तो आ गए हैं हम माता रानी के दर्शन करके, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आराम से दर्शन करवाए पंडित जी ने वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत भीड़ ज़रूर थी, पर सब शांतिपूर्वक दर्शन करने के लिए आए हैं तो सब ने शांतिपूर्वक ही दर्शन कर लिए। और अभी हम जाएंगे बाबा भैरव के दर्शन करने, और इस रोपवे के थ्रू हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने। सो इसका मैं चार्जेस आपको आगे बताता हूँ। सो चलते हैं और लगते हैं लाइन में। सो ये रोपवे की लाइन लगी है, यहाँ से टिकट मिलती है। सो ये टिकट मिल जाती है आपको 100 रुपीज़ की अप एंड डाउन के लिए। ट्रॉली की टिकट है ये। सो लाइन लंबी ज़रूर है, बट आराम से हम निकल रहे हैं और निकल भी जाएंगे। एक बारी में ये कम से कम 40 से 50 लोगों को लेके जाते हैं, और बहुत ही आराम से ये लेके जाते हैं। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आप पहुंच जाएंगे। सो अभी आने वाला है हमारा नंबर, और हम लगे हैं लाइन पे। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हमें कैमरा बंद करना होगा। तो अभी आ चुके हैं हम रोपवे के अंदर, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस रोप को यूज़ कर रहे हैं तो। बहुत ही थोड़ा आपको डर भी लगेगा, बट डरने की कोई बात नहीं। बहुत ही आराम से आप माता रानी के दरबार में बहुत आराम से आप इस जर्नी को पूरा कर लेंगे। सो कुछ व्यूज़ हैं, उसका आनंद लीजिए और मजे करिए। तो अभी रोपवे से निकल के भैरवनाथ के साइड आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा ये ट्रैक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और आगे आ गई है मार्केट। तो ये मार्केट है, यहाँ से आप भैरव बाबा का प्रसाद भेंट होती है, वो आप यहाँ से लेके आगे दर्शन करेंगे। तो अभी हम लेते हैं और आगे दर्शन करते हैं। तो अभी आ गए हम भैरवनाथ के मंदिर, हम दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने के बाद आपको मिलते हैं। सो अभी कर लिया हमने भैरव बाबा के दर्शन, और यहाँ पे धूप बत्ती और तेल चढ़ता है, ये हमने चढ़ावा और कुछ कर लिया है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको कटरा से हेलीकॉप्टर में आना है ऊपर दर्शन करने के लिए, तो आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आप कटरा से सांझी साथ आते हैं, और जिसका किराया होता है 1800 रुपये वन साइड, बोथ साइड 3600 का इसका किराया होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ हेलीपैड। तो ये हेलीपैड है।
सो सबसे पहले आप एक 360 व्यू देखिए बाबा भैरवनाथ के बाहर का, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे। सो कहानी ऐसी है, भवन में गुफा के बाहर हनुमान जी पैरा दे रहे थे, तो वहाँ पे बाबा भैरवनाथ आए थे और उनकी लड़ाई हुई थी उनके साथ, हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी थोड़ा पछत हो गए थे। उसके बाद जब माता रानी बाहर निकल के आई थी महाकाली के रूप में, तो उन्होंने उनका वध किया था। और उनका जब वध किया, उन्होंने जब उनके ऊपर वार किया, तो उनका धर वहीं पे रह गया और जो उनका सर था वो ऊपर जाके भैरव घाटी में 2.5-3 किलोमीटर ऊपर जाके भैरव घाटी में गिर गया था। तो वहाँ पे एक भैरव बाबा के नाम की मंदिर है। और कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पछताव हुआ था और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरव को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.75 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद भैरव के दर्शन करते हैं। और आजकल एक रोप वे भी है वहाँ पे जिसे आप जा सकते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को। अभी चलते हैं आगे। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, कटरा की ओर, और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लिए और भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए अभी। और अभी हम उतर रहे हैं नीचे की ओर। तो ये कुछ बता रही है, क्या देख रहा है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और बहुत से लोगों के जयकारों के साथ वो अपनी चढ़ाई कर रहे हैं माता के दर्शन के लिए। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं यहाँ पे कि हम पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ऐसे मकान बनाए तो माता रानी की कृपा से पूरा होता है वो सपना। तो कुछ लोगों की मान्यताएं हैं जो करते हैं। सारी सीढ़ियां क्रॉस कर दी। और ये लास्ट हमारी सीढ़ी बची है, ये सीधा बाढ़ गंगा जाएगी। आज पूरा शॉर्टकट मार दिया। अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और जय माता दी की कृपा से हम फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना एंड लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी करते हैं यहीं पे क्लोज। बाय बाय।